अजमेर के प्रसिद्ध तारागढ़ रोड स्थित गढ़बीटली महादेव मंदिर में डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 धावक और 10 धाविका बिना रुके पुष्कर के पवित्र जल को लेकर गढ़बीटली महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पवित्र जल का महंत शशिगिरी महाराज की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में महादेव को अर्पण किया गया, जिसके बाद यहां शस्त्र धारा का आयोजन भी आयोजित किया गया। यह दूसरा मौका है जब अजमेर के प्रसिद्ध गढ़बीटली महादेव मंदिर में डाक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। आज सुबह 3 बजे अलग अलग मोटरसाइकिल के जरिए सभी धावक पुष्कर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर पवित्र जल को डाक रूपी कलश में भरकर वहां से सभी अलग अलग रिले दौड़ की तरह दौड़ते हुए 30 किलोमीटर का सफर मात्र 50 मिनट में ही तय कर लिया। इसका वीडियो भी मंदिर समिति की ओर से बनाया गया, जिसमें सभी धावक आगे से आगे बढ़कर कावड़ को भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ पहुंचाते दिखाई दिए। फिर सभी सामूहिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पण करते हुए भगवान भोलेनाथ से आराधना करते नजर आए। इस दौरान अलग अलग एकेडमी के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने अपने भविष्य को लेकर भी भगवान भोलेनाथ से मनोकामनाएं मांगी। गढ़बीटली महादेव मंदिर की ओर से सजदारा के बाद भजन कीर्तन और भोजन प्रसादी आयोजित की गई। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों के कई लोग भी इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए।